जी अस्सलाम वालेकुम। क्या है पाकिस्तान के बाद की इब्तदाई मुश्किलात का रिमेनिंग हिस्सा हम देखते हैं और इसमें अगला पॉइंट है इक्तसादी पसमानदगी। इक्तसादी पसमानदगी पाकिस्तान जिन इलाकों पर मुश्तमिल था वो इक्तसादी और सनती लिहाज से इंतहाई पसमानदा थे। हिंदू अंग्रेज़ गठजोड़ के सबब ये इलाके खाम माल की पैदावार और फौजी भर्ती के लिए मखसूस होकर रह गए थे। बैरूनी तजारत ज़्यादातर हिंदुओं के पास थी और भारत के साथ थी। 1949 में कशीदगी के सबब जब भारत ने पाकिस्तानी माल की ख़रीदारी बंद कर दी तो दूसरी मंडियां तलाश की गईं। सनतों का वजूद ना होने के बराबर था। भारत में बुनियादी किस्म की सनतें मौजूद थीं मगर पाकिस्तान इनसे महरूम था। एक अंदाजे के मुताबिक बरे सगीर के कुल 394 सूती कपड़े के कारखानों में से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। रेशमी और ऊनी कपड़ा तैयार करने का कोई कारखाना नहीं था। सीमेंट साजी का सिर्फ एक कारखाना था। अगरचे इस सनत के लिए जिस चूने के पत्थर जिप्सम और ख़ास मिट्टी की ज़रूरत होती है इसकी वाफिर मकदार हमारे मुल्क के अंदर मौजूद थी। फिर कागज़ साजी के लिए कोई कारखाना नहीं था। यही हाल बनस्पति घी का था। इसके अलावा बिजली की जो कुल नसब शुदा कुव्वत 75,000 वोल्ट थी जिसमें मशरकी बंगाल में तकरीबन 15,500 किलोवाट थी। हिंदुओं ने जानबूझकर सनती कारखाने इस इलाके में लगाए जहां इनकी अक्सरियत थी। मतलब उनकी सोची समझी एक वो साजिश थी। सनती पसमानदगी के अलावा पाकिस्तान में सरमायाकारी के इदारे भी बहुत कम थे। मगरबी पाकिस्तान में मंजूर शुदा बैंकों की 487 शाखें थीं जो तकसीम के वक्त सिर्फ 69 रह गई। पंजाब बैंक के अलावा तमाम बैंकों के सदर दफ्तर भारत में थे। पंजाब बैंक का सदर दफ्तर भी भारत चला गया। इन बैंकों को ज़्यादातर हिंदू चलाते थे इसलिए इनके तमाम असासी और रुपया आज़ादी से चंद माह बेशतर भारत मुंतकिल कर दिया गया जिससे बैंकों की कारकर्दगी बहुत मुतासर हुई। पाकिस्तान को नाकाम बनाने के लिए गांधी ने ये साजिश तैयार की थी कि हिंदू मुसलमान सूबों से अपना सरमाया लेकर हिंदू सूबों में जाकर आबाद हो जाएं। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में तिजारती ढांचा तबाह हो जाए और यूँ पाकिस्तान तिजारत करना मुसलमान जो है वो तिजारत करना नहीं जानते इसलिए ये मुल्क चल नहीं सकेगा। सरमाए की कमी की वजह से पाकिस्तान में सनती कारखाने लगाने में बड़ी दुश्वारियाँ पेश आईं। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स और बंगाल स्टील कॉरपोरेशन और शिप यार्ड जैसे इदारे पहले से मौजूद थे जिनका इस वक्त तक पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। भारतीय शिप यार्ड ने जंग अजीम के दौरान 2,000 छोटे जहाज तैयार किए थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला जो है पॉइंट वो ये था कि मुसलमान तालीम की कमी यहाँ पर, क्योंकि इन्हें तालीम के मौके भी मुयस्सर नहीं आते थे, ना ही इन्हें कहीं पे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन दिया जाता था। कुछ मुसलमान जो थे वो ख़ुद भी उससे कतरा कर रहते थे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के हिस्से में आई आबादी उसकी जो शरह खानगी थी वो सिर्फ 16% थी और जो अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा मसला था। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ज़राए नकल व हमल, यानी चीज़ों को या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के जो ज़राए हैं वो कैसे थे। उनमें जैसे रेलवे है, जैसे सड़कें हैं, जैसे हवाई जहाज़ है या बहरी जहाज़ है, तो उनकी क्या पोजीशन थी। क्या है पाकिस्तान के वक्त ज़राए नकल व हमल और मवासलात की हालत अच्छी ना थी। मुतहदा हिंदुस्तान के रेलवे के 9 सिलसिलों में से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 2 सिलसिले आए, मतलब 9 में से सिर्फ 2 पाकिस्तान के हिस्से में आए। इनकी कुल लंबाई 11,200 किलोमीटर थी। मगरबी पाकिस्तान में इनकी लंबाई 8,000 किलोमीटर थी जो 75% मुसाफिर लाती ले जाती थी। रेलवे इंजनों की तादाद सिर्फ 821 थी। इंजन, मुसाफिर डब्बे, माल बर्दारी के वैगन तमाम का तमाम जो था वो पुराना सामान था क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुसलसल इस्तेमाल होता रहा था और फिर उसके बाद इनकी मुरम्मत और रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ था। माजरीन की नकल मकानी का बोझ भी इनको उठाना पड़ा जिसकी वजह से रही कई कसर उधर निकल गई और जो कुछ वो पूरे थे वो भी टूट फूट गए। पाकिस्तानी सिलसिले की रेलवे लाइन पर चलाने के चंद नए रेलवे इंजन बाहर से आए जो कि मुगलपुर की रेलवे बॉर्डर रेलवे यार्ड में खड़े थे।
ठीक है, मुगरपुर के रेलवे यार्ड में खड़े थे। हिंदू एहलकारों ने क्या किया कि इन रेलवे इंजनों को साजिश के तहत चुपके चुपके लाहौर से दक्कन की तरफ भिजवा दिया और फिर वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गए। बस पाकिस्तान को रेलवे के सामान का बहुत कम हिस्सा मिला। उसके बाद है कि जो रेलवे इंजन जिस चीज़ से चलता है ना, वो भी क्या था, कोयला। और कोयला जो है वो भारत से मंगवाया जाता था, तो अब ये भी एक मसला था। लेकिन इस मसले पर काबू पाने के लिए फिर मुख्तलिफ इंजनों को जो था वो कोयले से पेट्रोल की तरफ लाया गया। उसके बाद है जी हवाई जहाज़। तो फिर जो यानी हवाई जहाज़ जो थे उनका भी सिलसिला ये था कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले हवाई जहाज़ जो थे वो बहुत कम थे और सिर्फ़ एक छोटी सी हवाई कंपनी थी जिसका नाम ओरिएंट एयरवेज था। इसने अपना सदर दफ्तर जो था वो कलकत्ता से कराची मुंतकिल कर लिया, और लेकिन काम जो था वो ना होने के बराबर ही था। उसके बाद है दरियाई ज़राए आमदोरफ़्त। तो दरियाई ज़राए आमदोरफ़्त जो थे वो भी, उनका भी काम कोई तसल्ली बख्श नहीं था। उनके ऊपर भी हिंदू अजारादारी थी और जहाज़ों के तमाम तर दफातर जो थे वो कैलकटा में थे। फिर सड़कें, तो मगरबी पाकिस्तान में पक्की सड़कों की लंबाई 4,000 मील थी और सिर्फ 24,000 गाड़ियाँ थीं। सड़कें माशी ज़रूरियात के लिहाज से नहीं बल्कि दिफाई मकासद के तहत बनाई गई थी, और लिहाजा वो यानी लोगों के लिए उनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं था। मुल्क के तजारती बेड़े में सिर्फ 3 जहाज़ थे जिनकी माल बर्दारी की गुंजाइश नाकाफ़ी थी। बैरूनी तजारत गैर मुल्की जहाज़ों के ज़रिए होती थी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी ज़राए मवासलात, यानी रसल व रसाइल के जो ज़राए होते हैं, पैगामात, पैगाम रसानी के जो ज़राए होते हैं, इनमें सबसे बड़ा तो टेलीफोन है। तो पाकिस्तान में टेलीफोन की सहूलत ना होने के बराबर थी, ना कोई टेलीफोन बनाने का कारखाना था, ना ही मरम्मत गाह थी। फिर इसी तरह से रेडियो है, तो रेडियो स्टेशन सिर्फ ढाका, लाहौर और पेशावर में मौजूद थे। उसके बाद जो अगले मसाइल हैं जी, उनमें है जोग्राफियाई मुश्किल। जोग्राफियाई मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान के तमाम इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से में आए, जानबूझकर इन्होंने ऐसे किया कि वो तमाम इलाके साथ साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि ये था कि एक हिस्सा था, फिर आगे थोड़ा सा हिस्सा भारत का, फिर एक हिस्सा, फिर भारत का हिस्सा। तो यानी दो हिस्सों के दरमियान में भारत का हिस्सा था। तो एक हिस्सा जो था इसका नाम मगरबी पाकिस्तान था और दूसरे का नाम मशरकी बंगाल था, बाद में उसको मशरकी पाकिस्तान का नाम दिया गया। तो इन दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा हिस्सा 1,000 मील भारतीय यानी दुश्मन का इलाका था। तो आप देखें कि दरमियान में जब दुश्मन हो और दो तरफ आबादी हो तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान की यानी हैत तरकीबी की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए और इसकी मईशत को तयबाला करने के लिए इन्होंने ये सारा किया था, लेकिन अल्लाह के फजल से और मुसलमानों की जदोजहद से पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम मसाइल पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया इनको, और फिर वो इस मुमलिकत को इन मसाइल से निकालने में कामयाब हो गए।